अपना पेट भरा होता है तो दूसरे के भूख का एहसास नहीं हो पाता है लगता है कि उसका भी पेट भरा होगा लेकिन दूसरे के भूख का दिल्ली शिद्दत से एहसास करने वाले शख्स आज हमारे साथ मौजूद है। हम हैं हम बात है यहां इंडियन रोटी बैग के झारखंड प्रदेश संयोजक दीपक तिवारी की कर रहे हैं जिनके द्वारा हर विषम हालात में दूसरों तक निवाला पहुंचाने की शुरुआत की गई वैसे लोग जो अहले सुबह से देर रात तक एक अदद निवाला के लिए तरसते थे लोगों तक पहुंचे लेकिन उन्हें एक रोटी नसीब नहीं होता था उनके उस दर्द को शिद्दत से महसूस करते हुए दीपक तिवारी द्वारा रोटी बैंक के तहत उन तक रोटी गई, उन तक खाना गई। हमारे साथ आज मौजूद मौजूद हैं दीपक जी हम बात करेंगे हमने शुरुआत में कहा कि अब अपना पेट भरा होता है तो दूसरे के भूख का दर्द महसूस नहीं हो पाता है कैसे कैसे आपने महसूस किया कि सामने वाला भी भूखा है देखिए रोटी बैंक एक बहुत बड़ी टीम है रोटी बैंक देश के पंद्रह राज्यों में एक सौ चौदह यूनिट है और जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग ज़िलों में ज़रूरतमंदों की भूख को मिटाती है और निरंतर इस कार्य को सेवा मानकर और जो हमारा संगठन है और उसके जो भी कर्ता धर्ता हैं उनके द्वारा लगातार वास्तविक ज़रूरतमंदों तक भोजन कपड़ा अलाव कंबल, दवाइयाँ लगातार उपलब्ध कराई जाती है और हमारी संस्था किसी व्यक्ति विशेष से, से चंदा डोनेशन ये सब नहीं लेती है जितने मेंबर हैं उनके सहयोग से और जो शहर के प्रबुद्धजन हैं उन लोगों की मदद से यह टीम लगातार कार्य कर रही है झारखंड प्रदेश में भी हम तकरीबन दस ज़िलों में निरंतर कार्य कर रहे हैं और हमारी कोशिश आगे भी है कि जो भोजन की बर्बादी है उसको रोकने के लिए और भी जो ज़िले बचे हुए हैं उनमें संगठन खड़ा करें और वास्तविक ज़रूरतमंदों तक भोजन पहुंचाएं क्योंकि देश में लाखों लोग आज भी एक पहर भोजन के लिए तरसते हैं रेलवे स्टेशन बस स्टैंड मंदिर मस्जिद चौक चौराहा के बाहर हजारों लाखों ज़रूरतमंद भारतवर्ष में भूखे पेट सो जाते हैं तो हमारा संगठन का एक ही उद्देश्य है कि सिर्फ और सिर्फ वैसे ज़रूरतमंदों तक पहुँचें जिनको भोजन की ज़रूरत है जो ज़रूरतमंद हैं उन तक दवाइयाँ भी पहुँचाते हैं उन तक कंबल भी पहुँचाते हैं उन तक अलाव की व्यवस्था करते हैं लगातार सेवा धर्म सेवा को लक्ष्य मानकर हमारी रोटी बैंक की पूरी टीम पूरे भारतवर्ष में लगे रहती है झारखंड प्रदेश में लगे रहती है और आगे भी भारतवर्ष के साथ साथ झारखंड प्रदेश के सभी जिलों में हम पहुँचेंगे लगातार हमारी कोशिश जारी है एक ही ध्येय है कि भोजन की बर्बादी भी रोकें और सोसाइटी के लोगों के माध्यम से वास्तविक ज़रूरतमंदों तक भोजन पहुँचाएँ पलामू और गढ़वा वह जिला है आप शुरू से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं एक बहुत बड़ी समाज सेवा के रूप में आपने एक लकीर खींची है लोगों तक भोजन पहुंचा करके पलामू और गढ़वा में यह बात निश्चित रूप से आप महसूस करते हैं हर कोई जानता है कि जहां सुखाड़ पड़ा करता है कभी किसी साल बारिश हो जाए तो खेती हो जाती है इससे अपवाद हम कहेंगे निश्चित रूप से वहाँ पर लोग पलायन करते हैं उसी दो रोटी के लिए अब पलायन मौत का सबब बनता है पाले में रोटी नहीं मौत आती है वैसे में उन तक उनके परिवारों तक जिनकी क्षुधा भूख से अकुलाती है बिलबिलाते हैं बच्चे भूख बिना उन तक भोजन पहुँचाया आपने लगातार देखिए दो बार लॉकडाउन हुआ भारत में उस दौर में भी हम शहरी ज़रूरतमंदों की ज़रूरत भी पूरा किए और सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में भी जहाँ गांव-गांव में लोगों की अनाज की ज़रूरत थी उन जगहों पर भी मैं खुद अपनी टीम के साथ लक्ष्य को साधा और लगातार उन गांवों तक भी हम पहुँचे जहाँ की भोजन अनाज दवाइयाँ की ज़रूरत थी लगातार मैंने पहुंचाया है अपने टीम के माध्यम से और टीम में बहुत ही ऐसे लोग हैं जो सेवा को ही लक्ष्य मानते हैं और आगे भी आपको मैं आश्वस्त करता हूँ कि रोटी बैंक झारखंड प्रदेश में हर जिले में स्थापित होगी भोजन की बर्बादी भी हम लोग रोकने का प्रयास करेंगे और जो जरूरतमंद है उन तक निश्चिंत रहिए कि उन लोगों की भूख से मौत नहीं होगी बहुत बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ा संकल्प है हमारी शुभकामना होगी कि पूरा हो निश्चित रूप से पूरा भी हो रहा है बात समाज सेवा के तहत हम आप भोजन लोगों तक पहुंचा रहे हैं उनकी ज़रूरत पूरा कर रहे हैं एक कई ऐसी जरूरत है जिसे पूरा करने के लिए एक बड़े प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है उसी के लिए आप राजनीति में आए आप पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री है उस दरमियान आप झारखंड मुक्ति मोर्चा जो अभी सत्ता में सत्तासीन है अपने राज्य में आप शामिल हुए जे में मैं आपने ज्वाइन किया देखिए जेएमएम में जाने के पीछे एक ही कारण है जो स्पष्ट है इंडियन रोटी बैंक के संरक्षक माननीय झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी इस रोटी बैंक को बढ़ाने के लिए हमें हर वक्त मार्गदर्शन दिए हैं और उनके सहयोग से ही झारखंड प्रदेश में इंडियन रोटी बैंक निरंतर अपने लक्ष्य को पूरा कर रही है तो उनके कार्य करने के तरीके को मैं, मैं उससे मैं प्रभावित हुआ और उस तरीके से मैं प्रभावित होकर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन था और इस सरकार में या सरकार में हम ना भी रहें तो जनता का कार्य निश्चित रूप से कल भी किए हैं आज भी कर रहे हैं और अगले आने वाले वक्त में भी करेंगे यह मैं आपको आश्वस्त करता हूँ अपने जेम ज्वाइन किया है पलामू के परिप्रेक्ष में अगर हम बात करें 21 साल का अपना झारखंड हो गया पूरी तरह से जवान हो गया पिछले दिनों गए साक्षात्कार अभी हमने किया जो पूर्व में जनप्रतिनिधि रहे हैं इस गुजरे सालों में कितना विकास हुआ विकास कितना जवान हुआ ये किस रूप में महसूस करते हैं आप पलामू के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए क्या होना चाहिए था जो इन गुजरे सालों में नहीं हो सका जो करने की जरूरत है देखिए झारखंड में शुरू से ही राजनीतिक जो माहौल है वो अस्थिरता का है और इस चलते लोग इसको चरागाह समझे और विकास उन लोगों का ज़्यादा हुआ जो लोग सरकार के करीब रहे सरकार में जो अधिकारी हैं राजनेता हैं उनका ज़्यादा विकास हो गया विकास धरातल पर बहुत ज़्यादा नहीं हुआ अब तब संभव यह हो पाएगा जब दूरदर्शी सोच का व्यक्तित्व राजनीति में राजनीति करें और लोगों के बारे में भी सोचें कि कहाँ सड़क की ज़रूरत है कहाँ किन चीजों की ज़रूरत है जिससे आम आवाम को राहत मिले खैर टीका टिप्पणी से दूर हम कोशिश करेंगे कि हमारा झारखंड का भी विकास तेज़ी से हो और इस और हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है सकारात्मक दृष्टिकोण रख के और हम झारखंड सरकार के मुखिया को भी इस और ध्यान आकृष्ट कराएंगे जब मुलाकात होगी कि झारखंड के गांव-गांव में कैसे विकास हो शहर हमारा कैसे विकास करे आम आवाम को की तकलीफ़ें दूर हों इस पर हम गहन विचार मंथन करेंगे उनके साथ और उन्हें इस ओर सोचने के लिए कहेंगे कि आप इस और सोचिए कि झारखंड बहुत बड़े आंदोलन और लड़ाई के बाद मिली है झारखंड की लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उपेक्षाएं हैं उनकी जरूरत है वह पूरी हो डाले मुख्यालय पलामू का मुख्यालय डालते जहां नगर निगम नगर पालिका नगर पंचायत नगर परिषद के बाद नगर निगम विस्तार होता गया विकास का कितना विस्तार हुआ अगर हम नगर निगम की बात करें तो देखिए डाल्टनगंज सबसे पुराना जिला है डाल्टनगंज को अंग्रेज़ों ने बसाया था और ये सबसे पुराना निगम भी है मतलब नगर निगम तो यहाँ पर शुरू से ही इसका विकास होना चाहिए था लेकिन इसका ढांचा और स्वरूप बढ़ा नहीं जितना बड़ा डाल्टनगंज था उतना ही दूर में सिमट के रह गया है या इसके लिए जो भी चेयरपर्सन आज तक रहे हैं उनकी जिम्मेवारी थी कि इस शहर को बड़ा करें स्वरूप बड़ा करें जिससे बस स्टैंड शहर से कुछ दूर हो शहर में जाम की समस्या इससे मतलब दूर हो जाएगी और यहाँ पे मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जिससे लाखों लोगों को रोज़गार मिलता तो बहुत तरह की समस्याएं हैं जो शहर में जो शहर था वही शहर है बदला कुछ नहीं है तो इसका स्वरूप बदलने की जरूरत हो और जैसे निगम के पास इतनी व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि उनका अपना इतना आर्थिक स्रोत होना चाहिए कि उसी से इतना रेवेन्यू जनरेट हो कि आम आवाम से ज़बरदस्ती उगाही भी ना हो टैक्स के नाम पर सुविधा तो आप देते नहीं हैं और लगातार उगाही होता जाता है तो उसका मूल कारण है कि इनके पास रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है तो सेवा देंगे नहीं व्यवस्था देंगे नहीं और ज़बरदस्ती उगाही लगातार करेंगे तो आम आवाम इससे बहुत नाखुश है तो हम कोशिश में लगे हुए हैं कि अमूल चूल परिवर्तन हो जो सत्ता पक्ष में लोग हैं उनका आंख खुले वो जगें और जिस जनमत को स्वीकार किए हैं उस जनमत को खुश करने के लिए उस जनमत के दुख को दूर करने के लिए वो लगातार संघर्ष करें और इस शहर का डालटेन शहर का विकास हो आम आवाम राहत महसूस करे। भाजपा का गढ़ रहा है कभी राजद का गढ़ हुआ करता था भाजपा का भी लोग बहुत ज़्यादा सीटों पर प्रतिनिधि यहाँ पर निर्वाचित हुए अब जे की जो एक टीम है पलामू में उस टीम के एक हिस्सा अब भी हो गए अब निश्चित रूप से कुंबा बढ़ाने की जे एम के कुनबा बढ़ाने के भी पलामू में बहुत बड़ी जिम्मेवारी कंधे पर अब आ गई है देखिए जिस आस्था विश्वास से पार्टी और संगठन ने मुझे भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में लिया है तो मैं आप लोगों को आश्वस्त कराऊंगा कि दिन रात में मेहनत करूंगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्य करने के तरीकों को जनता में लाऊंगा, सरकार की जो उपलब्धियां हैं जनता को बताऊंगा और जो कमियां हैं उसको भी दूर करूंगा और निरंतर युवाओं की एक बड़ी फौज पलामू ज़िले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बहुत जल्द झारखंड मुक्ति मोर्चा को के साथ होगी और हमारे कार्यों से प्रभावित होकर और संगठन का बड़ा विस्तार होगा आप निश्चिंत रहिए और भाजपा को पलामू के साथ साथ पलामू परमंडल से हम लोग उखाड़ फेंकेंगे क्योंकि इनकी कथनी और करनी दोनों में काफ़ी अंतर है और युवा जो है केंद्र की सरकार से काफ़ी नाराज़ है दस तारीख को आगामी दस तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का संभावित कार्यक्रम है पलामू मुख्यालय में उसके लेकर भी तैयारी में जुटे हुए एकदम निसंदेह झारखंड प्रदेश के सस्वी मुख्यमंत्री का पलामू जिले में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है और पूरी तैयारी है पूरे जगहों पर तुरंत द्वार व्यवस्थाएँ बनाई जाएंगी जिससे मुख्यमंत्री जी का स्वागत हो और सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम चल रहा है उससे लाखों ज़रूरतमंदों को राहत मिल रही है इंदिरा आवास हो वृद्धा पेंशन हो अन्य जितनी भी ज़रूरतें हैं आम आवाम को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से हर प्रखंड में पंचायत में ज़िले में लोगों को राहत देने का कोशिश जारी है और सरकार के सभी अधिकारीगण इस कार्य में लगे हुए हैं कर्मचारीगण लगे हुए हैं उन लोगों को भी हम धन्यवाद देते हैं साधुवाद देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद तो हमारे साथ दीपक जी थे जो इंडियन रोटी बैंक के झारखंड प्रदेश संयोजक भी हैं साथ ही अब वो समाज सेवा के साथ साथ राजनीति भी आए हैं ताकि जो लोग जरूरतमंद हैं जो अभावग्रस्त हैं उनकी समस्या दूर हो साथ ही जो विकास योजनाएं कागज़ पर से यानी फाइलों से निकलकर धरातल पर नहीं उतर सकी कार्य रूप नहीं ले सकी मूर्त रूप नहीं ले सकी उन योजनाओं का धरातल पर उतारना विकास करना इन सभी जिम्मेवार को अपने कंधे पर लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं हम चाहेंगे हमारी शुभकामना भी निश्चित रूप से होगी कि जिस तरह भूखों तक अन्न पहुंचाने की आस इन्होंने पूरी की है उन्हें भोजन दिया है ठीक उसी तरह जो इस तरह राजनीति में जिस सोच के साथ जिस ख्वाब के साथ आए हैं वह ख्वाब भी निश्चित रूप से पूरा हो और जो पलामू विकास से अछूता है जो डालटेनगंज जिस तरह विकास होना चाहिए था वो नहीं हो सका है अब वह पूरी तरह से विकास से पुरनूर हो जिस तरह नाम दीपक है अंधेरा यहाँ दूर हो उजाला यहाँ पर हो कैमन मनीष के साथ आशुतोष रंजन बिंदास न्यूज पलामू